मोनेस्ट्री बहुत ही बड़ा मोनेस्ट्री है ना ये। ये देखो क्या लिखा हुआ है। ओ पाप जो ओ अच्छा मंदिर ना। ओ मंदिर तब लो। हाँ हाँ हम लोग में पहले हम लोग ना उल्टा से घुमा रहा था तो ये साइड से ऐसे घुमाना है। माने फेमे हूँ। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू तेंजिन ब्लॉक। सो मैं आ चुका हूँ और एक न्यू वीडियो लेके। सो आज का जो वीडियो है फिलहाल अभी तो हम लोग आलोबारी ब्रिज पे है जो कि नॉर्थ ईस्ट का लॉन्गेस्ट ब्रिज में गिना जाता है। एंड आज हम लोग जा रहे थे जू में। थेजू में कहाँ जा रहे हैं बोलने से लामा कैंप पे। और मैं देखूंगा अगर हम लोग मेन थेजू टाउन पे तो नहीं जाएंगे फिर लामा कैंप पे जा रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले भी थेजू एक्सप्लोर करके। और अभी तो लगभग के 2 बज रहे। हम लोग नामसा से निकला था 1 घंटा हो गया क्या। 1 घंटा में यहाँ में पहुँचे। और ये जेनी जेनी भी जा रहे हैं मेरा साथ मेरा दोस्त क्योंकि कल हम घर जा रहे हैं। तो ये सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि हम कल से ब्लेस ब्लॉक ही लाएगा ब्लेस लाइफ का। और ये देखो नज़ारा कुछ ऐसा होके रखा है सीन। एंड ये है ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं ना इसको। हाँ ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये डायरेक्ट थेजू से आया है। एंड हम लोग तो निकले थे नामसा से तो ये शायद होके आया है। और वो देखो पहाड़ का नज़ारा। और वो राइट साइड में जा सकने से आप लोग अगर देख रहे तो वो साइड में वाक्रू टाउन है। और सीन कुछ ऐसे होके रखा है। अभी खाना वाना खा के नामसा से डायरेक्ट निकले हैं हम लोग। और ये जो नदी दिखाई दे रहा है आप लोग को ये डायरेक्ट थेजू से आ जाए। ये साइड से थेजू से होके आए। एंड दिस साइड जाने से हम लोग रोइंग पासीघाट थेजू वो साइड जा सकते हैं आलो वो साइड। तो वीडियो में बने रहिए अभी हम लोग सीधा मिलेंगे थेजू पहुँच के। एंड दोस्तों हम लोग अभी आते आते पहुँचे आलूवारी से पहुँच गया में। एंड यहाँ से जो गेट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड होते हैं और लेफ्ट साइड जाने से आप लोग रोइंग फासीघाट जा सकते हैं। एंड हम लोगों को तो अभी राइट साइड जाना है थेजू की ओर। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग लामा कैंप पे पहुँच गए। एंड ये रहा जो लामा कैंप का नज़ारा लगभग पहाड़ पहाड़ ही है बोलने से तो। एक्चुअली हम यहाँ में फर्स्ट टाइम आया है। और दिस साइड तो आप लोगों को पता ही है नदी है ये। एंड मैं अभी सीढ़ी उतर रहा हूँ। यह साइड में नदी है और नदी जो यहाँ में है ना बोल के ये डायरेक्ट मेरा ख्याल से थेजू से कुछ छोटा मोटा नाला ज्वाइन हुआ होगा। और ये तो आप लोगों को पता ही है ये फ्लैक्स मिलेगा ये लामा लोग का। और ये देखो वो पानी तो अलग सा ही सफा है। एंड ये जो पानी है ना डायरेक्ट मतलब ज़मीन का नीचे से आता है और ज़मीन का नीचे शायद होके आता है। ये देखो डायरेक्ट नेचुरली ना ये शायद होके निकलते हैं। और ये देखो सुंदर सा नज़ारा बोलने से जंगल जंगल है ये नदी शायद जो बट मेन वाला जो मंदिर है वो तो अंडर साइड हो गया ना। तो ये देखो लामा कैंप का नदी का नज़ारा। तो यहाँ में आइए क्योंकि यहाँ में बहुत सारा फोटो खिंचाते हैं। हाँ और नहाने भी बहुत सारा आदमी लोग आते हैं एक्चुअली में बोलने से। तो दिस साइड तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अभी चलते हैं मेन लामा मंदिर कैंप का वो साइड में ना। वीडियो में बने रहना और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अभी दिस साइड। अभी धूप देखो आप लोग। एंड ये रहा नदी से ऊपर उठने का बाद दो मंदिर है। ये भी एक मंदिर है दिस वन। एंड मेन वाला तो वो हाँ अलग से ही सुंदर है। और धूप बोलने से तो अलग सा ही गर्म है आज को। वो साइड तो पहाड़ पहाड़ रह गया ना। तो ये साइड देखो आप लोग वो लोग का फ्लैग लामा लोग का ऐसा फ्लैग होता है लामा लोग का। एंड सराउंडिंग जो यहाँ में है बहुत ही ज़्यादा क्लीन होकर रखा है भयंकर से अलग की सुंदर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ मेन मंदिर साइड की ओर तो वहाँ में मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहे ना। एंड अभी हम लोग जाएंगे मेन मंदिर की ओर मेन गोम्पा गोम्पा बोलते हैं क्या। फाइनली गाइस मेन वाला जो मंदिर था वहाँ में पहुँच गया अभी। एंड ये है गेट का नज़ारा ऐसा कुछ सीन होकर रखा है गेट का नज़ारा जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ में जो टाइगर डोटो दिया गया है। एंड ये शायद जो मेन गेट है बट ये वाला ऐसे आदमी घुसने के लिए दिए गए। तो चलिए चलते हैं लामा कैंप की ओर। ये रहा जो मॉनेस्ट्री बहुत ही बड़ा मॉनेस्ट्री है ना ये। ये देखो लामा तवंग में भी ऐसा वाला तो बहुत है ऐसे बोलने से बट ये वाला अलग से सुंदर है थेजू वाला ये देख सकते हैं आप लोग।
तो अभी अंदर आ गया हम लोग एंड अभी दिखूंगा मैं क्या क्या देखने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली हम भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वाला लामा गुम्फा लामा कैंप में। ये देखो ये गोलमोल घूमने वाला, एक्चुअली ये लोग का भाषा से ये लोग का लैंग्वेज से दिया गया है क्या? तो एक्चुअली हम लोग मतलब उल्टा से घुमा रहा था दोस्तों, इसको एक्चुअली पता ही नहीं है एक्चुअली घूमने से। इतना सारा ये दिया गया है, क्या लिखा होगा ये? बहुत ही ज्यादा सुंदर होके रखा है। और ये देखो प्लग सब, ये है लामा कैंप का नजारा। एक्चुअली ये लोग का खुद का लैंग्वेज ट्रेडिशन लैंग्वेज से है क्या? हमको तो पता भी नहीं चले ये लैंग्वेज तो क्या है। सो गाइस एक्चुअली मैं पहले हम लोग ना उल्टा से घुमा रहा था, तो ये साइड से ऐसे घुमाना है बोले। उनका बहुत ही ज़्यादा सुंदर होके रखा है लामा कैंप जो। और ये देखो ना नज़र आप लोग, वो वाला जो है वो मेन गेट है एंड ये कुछ सब फ्लैग सब दिया गया है एंड हमें भी है एक्चुअली। इसको क्या बोलते हैं हमको भी पता नहीं। ये देखो इसका बाउंड्री जो बहुत ही अलग से सुंदर होके रखे। और यहाँ में कुछ सोसंग सब लोग खेल रहे हैं लामा कैंप में। एक्चुअली ना सोसंग ये सब क्यों दिया जाता है ना, ये कुछ है हमें कुछ लिखा गया है क्या? लिखा होता है क्या? लिखा होता है क्या? लिखा होता है कुरान में से ना। हाँ पाप है ना। हाँ। क्यों मिट जाते हैं पाप? ओ पाप जो। हाँ। ओ अच्छा थैंक यू। तो एक्चुअली दोस्तों ना ऐसा है कि अगर आप लोग कुछ पाप करना है बोलने से लाइफ में तो अगर इसको आप लोग घुराने से ना तो पाप जो मिट जाता है बोला है। एक्चुअली आई डोंट नो होता भी होता होगा क्योंकि ये लोग का ही नियम से किया जाता है तो होता ही होगा ऑब्वियसली से, वही है सीन। तो मैं घुरा लेता हूँ क्योंकि क्या पता मैंने भी लाइफ में क्या क्या पाप किया होगा। एक्चुअली मजाक कर रहा था, कुछ पाप किया ही नहीं। तो जेनी तो वो अभी बाहर में है और स्कूटी का जो हम लोगों ने साबित था वो बाहर में ही रख दिया था। और आज को बोलने से तो तेजू आने का तो ऐसे मन नहीं था, बट फिर भी ब्लॉग के लिए हो जाना था ना, क्योंकि कुछ भी कॉन्टेंट नहीं था बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ में आ गया लामा कैंप में। जेनी मिल गया सभी। सो एक्चुअली ना इसको जो घुराने से बोलते हैं ना, ऐसे घुरा देने से बोला है, पाप मिट जाता है बोले। हाँ जो पाप किया वो हम सोसांग लोग से पूछे गिव मी सभी। तो ये एक राउंड मार के आएगा फिर हम दोनों घुराएगा ना। और ये देखो जेनी जो बहुत ही ज़्यादा ये होके सुंदर सुंदर लड़के लोग ऑलवेज खाला ही है। और यहाँ में एक तो प्यारा सा सोसांग बनते बोल सकते हैं इसको मोंग ना। यहाँ में क्या लिखा है ना यहाँ में? हाँ कुछ तो लिखा हो। हाँ ओम माने, ओम माने पेपे हो। क्या बोला है? क्या बोला है? ओम माने एक फोटो खींचेगा। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ में एक सोसांग पढ़ाई करते हुए कहाँ का है? कहाँ का? यहाँ का। क्या है ट्राइब? नेपाली। नेपाली ना। अच्छा बनना चाहिए, हम भी बनना था पहले। उम माने उम माने फेमे हूँ ना, उम माने फेमे हूँ। ऐसे ये लोग का कुछ मतलब जैसे हम लोग बुद्धिस्ट नियम में बोलते हैं ना ऐसे होता हुआ ना, तब हम अच्छा भगवा तो ऐसे कुछ हमको नहीं पता है। बट ये घुराने से जिन्ना तक हम सुन रहे हैं, पहले भी बोल चुका हूँ कि पाप कम होता है बोल के, तो ऑब्वियसली बाद में तो घुराऊंगा इसको, ऐसे भी घुरा चुका हूँ अभी। उम माने फेमे हूँ ना। ओके थैंक यू। और ऐसा कुछ है सीन जो ऐसा कुछ सीन होके रखा है। ये देखो धूप अलग सा ही सुंदर ना लामा कैंप तो। एक्चुअली बोलने से गोल्डन फेगोदा से भी ज़्यादा सुंदर है ये लामा कैंप जो। और बाहर में कुछ अभी कुछ बन रहे है ये साइड में, देखो ये साइड भी बन रहे अभी। और ये वाला मेन होता होगा क्या? हाँ एक्चुअली सुनो ना लामा लोग भी क्या बुद्धिस्ट में है ना। हाँ और ये भी बहुत ही अलग से सुंदर होके ये वाला, इसका सराउंडिंग जो है बहुत ही क्लीन करके रखते हैं बोलने से। एंड ये कुछ हॉस्टल होता होगा क्या? ओ सॉरी सॉरी जहाँ में मोनेस्ट्री ना, इसको तो एक्चुअली मोनेस्ट्री ही बोलते हैं ना। सो ये तो तेहरा जो मोंग लोग बेचते हैं वो लोग। और ऊपर तो जाएंगे क्या ऊपर में जाने देगा? वो साइड खुला है क्या? दिस साइड नहीं, वो साइड अलग है क्या? जितना आपको डाउट लग रहा है एंड वो साइड तो बंद है।
और यहाँ में कुछ उन लोग का लैंग्वेज से लिखा गया है वो शायद ऐसा कुछ सीन होके रखा है और अलग से ही सुंदर ना। और यहाँ में देखो दो तो प्यारा प्यारा सा पप्पीस कुत्ता जो देखो ये अच्छा से खाते का देखो गाइस अभी भी हम लोग घूम रहे हैं एंड अभी थोड़ा देर के बाद जाएगा और क्योंकि टाइम भी आ गया अभी नमसाई के लिए भी निकलना है ऑल्सो अभी तो बोलने से 3:30 ऐसा बज रहा है क्योंकि शाम हो जाने से अलग से ही ठंडा है तो हम लोग पहले इसको एक राउंड मारेंगे उसके बाद चला जाएंगे तो कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोग चैनल पर बने रहे ना और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और ये रहा नज़ारा कुछ ऐसा होके सीन कुछ ऐसा होके रखे और हमें दो तो बड़ा बड़ा सा ये गोम्पा दिया गया है। सो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ हम लोगों ने जो ये सब फोटो खींचे हैं मैं इंस्टाग्राम में शेयर कर दूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इंस्टाग्राम में तो हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का नाम में हमें आ रहे हैं आप लोगों को शो हो रहे हैं वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और हमें भी देखो आदमी लोग घुरा रहा है पाप कम होते बोले तो एटलीस्ट घुरा तो देंगे एक बार होने से भी क्योंकि क्या पता हो भी सकते हैं ऑब्वियसली होगा ही ऐसे हम तो फर्स्ट टाइम आए रहे हम ना कभी घुराया है ये उसको ना कभी दिखा फर्स्ट टाइम ही दिख रहे ऐसे देखो सीन ऐसे तो मतलब वीडियो सीडियो में तो दिखता था पहले लेकिन कभी भी तो घुराया तो नहीं बोलने से ये जो बड़ा बड़ा वाला है ना जो पाप कम होता है बोले ना ये लोग को इसको घुराने से ये देखो तो वहाँ में एक तो घंटी लगा हुआ है और वो ऑटोमेटिक से बजता है एक जो लकड़ी टाइप का ऐसे लोहा का रॉड है तो वो जब ये घुटता है तो ये हो जाते हैं और हमें वो तो प्यारा प्यारा सा अंकल लोग घुरा रहा है तो हम लोग अभी घुरा रहा है एक राउंड मार लेते हैं ना जेने ये जेने तो पूरा घुराने भी नहीं सक रहे ये भी मोती जो वो साइड चलो कहाँ साइड तो इस तक कहाँ से हाँ ये साइड से तो एक बार हम लोग भी घुरा लेते हैं तो उसके बाद तो जाना ही है इसको घुराएगा उसको घुराएगा घुराएगा इतना तकलीफ है वो तो वहाँ में दो तो शोषण खेल गए क्या नाम है सुशांत कहाँ का है हाँ आलोंग का ओटिस है प्यारा सा कितने क्लास में पढ़ता है क्लास वन ना अंकल इसको क्या बोलते हैं ना गुम्पा बोलते हैं गुम्पा बोलता है इसको ना मंदिर बोलते हैं मोनेस्ट्री बोलते हैं ना इसको मोनेस्ट्री बोलता है मंदिर मंदिर ना ओ मंदिर तब लोग गुम्पा हाँ वही बोला था गुम्पा बोलते हाँ गुम्पा बोलते ईटानगर वाला वो जगह का नाम नहीं 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 यही गुम्पा है इसको गुम्पा बोला है थावांग में बहुत ज्यादा है ना ऐसा वाला हाँ हम बोला ना तो चौंग बोलते हैं ना ये बोलते हैं ना हाँ अच्छा तो मंत्री हाँ 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 तो इसको मतलब मैं पहले ही बोल रहा था एक्चुअली ये लोग भी बोडिस है एंड हम लोग भी बोडिस है बट हम लोग का वाला भी मंदिर बोलते हैं एक्चुअली बोलने से लेकिन ये लोग का जो तिब्बतन में जो लामा में होता है उसको बोलते हैं बोला है गोम्पा हम बोला था पहले भी और इंग्लिश में तो आप लोगों को पता ही होगा मोनेस्ट्री है और ऐसा कुछ सीन होके रखा है देख सकते हैं आप लोग यानी हमें एक तो अंकल मिला था बहुत ही अच्छा है ये देखो नज़ारा कुछ ऐसा छोटा मोटा से है बट बन रहे अभी कुछ कुछ
होटल सब। और ये है मेन गेट जो मैंने आप लोगों को बोला ही था। सो आज का ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करूँगा, तो मिलते हैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो। सो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ मेरा चैनल पे। अगर इंस्टाग्राम में चेकआउट नहीं किया मेरा नाम, तो अभी भी यहाँ में शो हो है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।